और बच्चा लोग कैसे हो? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। किचन में अगर कॉकरोच हो जाएं तो किचन में काम करने का मन ही नहीं करता। हर चीज़ को झूठा करते रहते हैं और डर भी बहुत लगता है। मेरे घर में कभी भी कॉकरोच नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर कॉकरोच हैं तो इन दो ट्रिक्स में से किसी एक ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपकी परेशानी बिल्कुल कोसों दूर हो जाएगी। बहुत ही एक दो दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि कॉकरोच कहाँ चले गए, किधर चले गए पता ही नहीं चला। तो आज हम यहाँ पर दो चीज़ें करेंगे। पहले बनाएंगे हम कॉकरोच के लिए लड्डू। अपने लिए तो हमेशा लड्डू बनाते रहते हैं, आज कॉकरोच के लिए लड्डू बनाएंगे। तो उनके लिए हमें चाहिए क्या, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है बोरिक एसिड। कैरम बोर्ड खेलते वक्त जो चिकना सा पाउडर हम लगाते हैं वही होता है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड हमारे कॉकरोचों को भगाएगा। मेरे घर में तो इसे चावल में भी यही यूज़ करती हूँ हमेशा ही। बिल्कुल कभी भी चावल में कोई कीड़ा नहीं लगता, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ देखिए, इस पाउडर को हमें लेना है एक कटोरे में 4 चम्मच। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। कॉकरोच से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, उन बीमारियों से बचेंगे और बिल्कुल शांति से कोई कॉकरोच घर में नहीं दिखेगा आपको। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच आरारोट। आरारोट ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं। इसको मिलाने से होगा ये कि ये मिक्स हो जाएगा और ये आरारोट भी जो है ये कॉकरोच चूहों को जाके पेट में बिल्कुल सूट नहीं करता। इनका स्टमक खराब हो जाता है और बिल्कुल ये मर से जाते हैं। तो इसलिए ये आरारोट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पता है आरारोट जब भी हम पानी में डालते हैं वो नीचे बैठ जाता है, पत्थर सा हो जाता है, तो इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है, चूहे भी बिल्कुल भाग जाएंगे। तो आप इसे लड्डू को बनाइए। अब इन सबको आपको मिक्स करना है नॉर्मल पानी से, बस पानी से मिक्स करना है। एक आखिर में तीसरी चीज़ भी डालनी है, वो है चीनी। आप कहेंगे चीनी क्यों, चीनी से तो चींटियाँ भी आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, चींटियाँ भी दूर भाग जाएंगी। अब इसके पहले बनाते हैं लड्डू, फिर लगाएंगे चीनी। चीनी से होता ये अट्रैक्ट होते हैं, इसकी खुशबू से ये आते हैं, इसे खाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसे खाते हैं और फिर ये भाग जाते हैं, या मर जाते हैं या भाग जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लड्डू सारे बना लिए हैं। इन्हें मैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी चीनी लगाई है। ये चीनी के दाने आपको दिख रहे होंगे, ये पिसी हुई चीनी नहीं है, नॉर्मल चीनी लीजिए, जिससे उन्हें दिखे चीनी के खाने के बहाने वो आएंगे और ये खाकर भाग जाएंगे। अब बारी आती है इसे रखें कहाँ। जैसे आपके किचन के ड्रॉवर्स हैं, कहीं भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ना आए, यहाँ पर ना आए, गैस के पीछे या सिंक के पीछे, डस्टबिन के पास, जहाँ भी आपको लगता है कि ये आते हैं वहाँ आप डालते जाइए। इन गोलियों को पीछे से डाल दीजिए। जब भी आप सफाई करते हो इन्हें हटाइए मत, यहीं रहने दीजिए। ये देखिए, ड्रॉवर खोलिए, कहीं कहीं दूर दूर आप रख दीजिए। बस जैसे 10-15 दिन बाद आपको लगे कि बिल्कुल भी ख़त्म हो गई या बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई, वापस एक आध बार डाल दीजिए। अवन के नीचे, फ्रिज के नीचे, मिक्सी के नीचे, जहाँ भी आपको लगता है कि इनके आने के चांसेस हैं वहाँ आप रखते जाइए। अब चलते हैं इसके लिए दूसरी ट्रिक बनाने के लिए। इसके लिए मैं बना रही हूँ एक स्प्रे, तो वो भी बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके लिए मैंने ले ली हैं अगरबत्तियाँ। घर में जो पूजा घर में अगरबत्ती यूज़ करते हैं वही मैंने ले ली हैं। उन अगरबत्ती को मैंने तोड़ लिया है, करीब 3-4 अगरबत्ती ले ली। और दूसरी चीज़ जो पूजा में यूज़ होती है वो होती है कपूर। तो कपूर का आपको पता ही है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है इस कपूर की खुशबू। आपने सुना होगा इस कपूर से बालों में जुएँ भी चली जाती हैं। अगर नारियल के तेल में कपूर को मिलाकर डाला जाए तो जुएं दूर दूर तक चली जाती हैं, अगर छोटे बच्चों के बालों में आ जाए तो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कपूर लीजिए और अगरबत्ती लीजिए, इन दोनों को तोड़कर खलबत्ते में कूट लीजिए, इसका पाउडर सा बना लीजिए। अभी मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, पेपर में भी आप कूट सकते हैं, चकले बेलन पर, जिस पे भी, लेकिन जिस पर भी आप करेंगे उसे साफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। पानी के साथ अगर नींबू हो या विनेगर है वो भी आप ज़रूर डालिए। 2-4 घंटे के बाद ये पानी जब इतना स्मेल वाला हो जाए
तब आप इसको छान के पुरानी छन्नी से छान कर एक कोई भी बोतल में डाल दीजिए जिसमें स्प्रे लगता हो, जैसे कोलिन वगैरह की पुरानी बोतल है तो उसमें आप डाल दीजिए। अब हर जगह आप स्प्रे कर दीजिए जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कॉकरोच आने का चांस रहता है। और एक और बात, यहाँ पर कई जगह तो हम स्प्रे कर लेते हैं, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर आप लीजिए कॉटन, कॉटन को गीला कर दीजिए इस स्प्रे से और फिर उसे छुपा के कहीं भी रख दीजिए। इसकी स्मेल से कोसों दूर भाग जाएंगे आपके कॉकरोच। तो देखिए चींटी, मच्छर, कॉकरोच दूर दूर तक आपको दिखेंगे नहीं। इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।